हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ, ये गाड़ी देख रहे हो आप, लवनी है ये, AS200 का एयर फिल्टर चेंज करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बताता हूँ कैसे चेंज करते हैं। और यही सेम NS200 में भी एयर फिल्टर सेम होता है, आपको एयर फिल्टर दिखाता हूँ। ये एयर फिल्टर है, ओरिजिनल है, ठीक है। और जो इसमें जो लगा हुआ है अभी, वो भी ओरिजिनल ही है, बट वो 5-6 हज़ार किलोमीटर चल चुका है, तो इसलिए इसको चेंज करना ज़रूरी है। तो ये तो मैंने ओरिजिनल लिया है, ये ओरिजिनल एकदम, तो इसको अपन इसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है भाई। आज का और ये कुछ देख रहा हूँ, 247 का है, ये 240 में मिल गया था, और अभी एक तो लॉकडाउन बड़ी मुश्किल से मिला। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा कैसे चेंज करना है। और NS में भी सेम होता है, चाहे वो BS3 हो, चाहे BS4 हो, या BS6 हो, बस RS200 का अलग है एयर फिल्टर, ठीक है, बाकी तो सेम ही है। लेकिन ये जो NS200 और AS200 में है, ये वाला NS160 में अलग आता है, तो उसका अलग रहता है, ठीक है। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आया कैसे चेंज करना है। NS में भी सेम है, बस इसमें ये है कि ये AS में थोड़ा फेयरिंग ज़्यादा है, देख सकते हो आप, ये सब इसमें बहुत सारे नट बोल्ट होते हैं, उसमें भी रहते हैं लेकिन इतने नहीं होते, इसको खोलने में बहुत दिक्कत जाती है। ये पहले साइड पैनल भी ओपन हो गए, लेफ्ट राइट दोनों तरफ के, और ये देख रहे हो ना, ये पूरा फेयरिंग इसे उतारना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो भाई सबसे पहले सीट ओपन करेंगे, तो सीट ओपन करने का वही तरीका इस समय तो मालूम आप लोग। हाँ, तो भाई ये यहाँ के दोनों नट निकालने के बाद, जो 10 नंबर के, इनको निकालने के बाद यहाँ पे दो नट लगे हुए टैंक में, दिख रहा है आपको, 8 नंबर के ही है, इनको भी निकालना पड़ेगा क्योंकि इस बार पूरी सामने की फेयरिंग ओपन होगी, क्योंकि एयर फिल्टर देख रहे हो ना, ये इसके नीचे लगा हुआ, मतलब ये जगह बहुत गलत दी है इनने पल्सर NS और AS में, क्योंकि इनको निकालने में बहुत दिक्कत जाती है फिल्टरों को, और ख़ासतौर पे ये पल्सर NS में और AS में, बाकी तो गाड़ियों और RS में भी, बाकी गाड़ियों में तो उतनी दिक्कत नहीं है, बट इनमें बहुत दिक्कत। तो मैं अब ये नट खोलता हूँ, फिर मतलब पूरी फेयरिंग उतारता हूँ, फिर आपको उसके बाद आगे की वीडियो दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये भी खुलेगा, ये साइड पैनल भी निकलेंगे यहाँ का भी और उस साइड का भी, ठीक है। और ये एलंकी वाले नट है, 1-2, ठीक है, ये दोनों खुलेंगे। फिर यहाँ देख रहे हो आप, ये भी खुलेंगे, ठीक है, ये भी खुलेंगे, ठीक है, ये सब ओपन होंगे सब, ठीक है। और बता देता हूँ, यहाँ का नट भी खुलेगा, मतलब ये जो एलंकी वाला, ठीक है, ये उसके बाद सेम कि वो इधर नट है, वो इधर भी खुलेगा, ठीक है, और इधर साइड भी लगे हुए वो सेम, ठीक है। उसके बाद इधर अंदर भी लगे हुए, दिखा देता हूँ आपको, ये दिख रहे होंगे, देखो यहाँ का एक नट ही गिर गया, देख रहा हूँ, तभी गाड़ी वाइब्रेट हो रही थी, यहाँ का एक नट गिर गया, और अब देख लो, ये देखो, ये लड़की वाला देख रहा हूँ, ये लूज नहीं रह गया, फुल टाइट थे, लेकिन क्या होता, गाड़ी में वाइब्रेशन इतना आने लग जाता है जब गाड़ी गर्म हो जाती है बजाज की, क्योंकि इनकी फेयरिंग में उतना दम नहीं है, मतलब प्लास्टिक क्वालिटी उतनी सही नहीं है। देख लो, वहाँ का नट लगा हुआ है, देख रहा हूँ ना, यहाँ पे लगा हुआ नट, लेकिन इधर का गिर गया। तो भाई वही बता रहा था मैं, एक नट मतलब 1 वोल्ट ये लगा हुआ है, और देख लो एक ये लगा है, और एक ये, मतलब 2 वोल्ट यहाँ पे, 2 वोल्ट अंदर इधर, और 2 वोल्ट अंदर इधर, ठीक है, इनको खोलना पड़ेगा तब ये फेयरिंग बाहर आएगी। तो आप देख सकते हो गाड़ी में वाइब्रेशन कितना आता है, जब गाड़ी गर्म हो जाती बहुत वाइब्रेशन आता है, जब तक मतलब रेडिएटर का फैन ऑन नहीं होता जब तक बहुत वाइब्रेट करती है गाड़ी, क्योंकि इनका इंजन ज़्यादा गर्म होता है, हीटअप होता है, तो देख लिया आपने, तो इसलिए गाड़ी में वाइब्रेशन ज़्यादा आता है भाई। तो मैं ये सब फटाफट से खोलता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो गाइज़ ये पैनलों के नट खोल दिए दोनों साइडों के, तो मैं इनको निकालता हूँ, इनको बड़े हिसाब से निकालिएगा।
हाँ तो भाई दोनों साइड के पैनल खोल लिए, दिखा देता हूँ आपको। इधर का भी खोल लिया है, ठीक है, दिख रहा है। इधर का भी पैनल खोल लिया, इधर का भी ओपन कर लिया। अब मैं क्या बोलते सबसे पहले जो इसमें अंडरग्राउंड जो नट लगे हुए फेयरिंग में वो खोलूँगा, क्योंकि उसको खोलना बहुत दिक्कत वाली, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसमें एलेंकी वाले भी नट है और ये सिंपल जो स्पैनर वाले नट होते हैं ना आई टाइट नंबर के वो भी। तो उनको मैं फटाफट से खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे खोलते हो, ठीक है। तो वीडियो लंबी रहेगी पर बहुत सही रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग ये दिखाते नहीं कि फेयरिंग वेयरिंग खुलती कैसे, क्योंकि इतना तो ज़रूरी है बताना, नहीं तो इंसान खोल ही नहीं पाएगा फेयरिंग कैसे खुलती। क्योंकि घर पे अगर कोई गाड़ी की फेयरिंग खोलना है तो मतलब बहुत दिक्कत रहती है और बहुत से टूल्स लगते। तो आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ तो भाई आप देख सकते हो ये अपनी फेयरिंग है पूरी, ठीक है। तो देख सकते हो वहाँ आठ नंबर का देख रहा हो ना नट लगा हुआ है, सॉरी बोल। तो इसके लिए ना आप इस टाइप का स्पैनर यूज़ करें जिसमें ये ब्रेंच लगती है, ठीक है ना, देख सकते हो दिख रहा होगा ये सब। अगर आप यहाँ पे सिंपल वाला स्पैनर यूज़ करेंगे तो दिक्कत वही होना है, नट स्लिप हो जाएगा और आप ओपन करने मतलब नट भी ओपन नहीं होगा, आपको बहुत दिक्कत जाएगी। तो इसलिए ये इस टाइप का यूज़ करें, ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये मिल जाएगा मार्केट में। तो क्योंकि जब भी आप कोई फेयरिंग वाली गाड़ियों में नेटवर्क खोलते हो जो अंडरग्राउंड रहते उनके लिए यही वाले टूल सही रहते हैं, सिंपल स्पैनर काम भी नहीं आते। तो मैं इनको ढीला करता हूँ, थोड़े टाइट रहते हैं, टाइट भी नहीं रहते, देख सकते हो। और इधर का तो देख सकता हूँ वहाँ पे नेट है ही नहीं, गिर चुका है वो, देख लो ये, देख लो ये लंकी वाले बोल्ट है। तो और इधर विदाउट एंड मतलब विदाउट एलेंकी वाला बोल्ट लगा हुआ, मतलब नट सॉरी। तो इन दोनों को खोल, तो ये इधर का नट जो लगा है ना वो भी दूसरा लगा है, वैसे आता तो ये एलेंकी वाला है, देख सकते हो अभी एलेंकी वाला आता है। तो मैं इनको फटाफट से खोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा तो मतलब मेरी वीडियो। तो बस यही एक नट है और एक बॉय है उसे, और यहाँ भी वो ये दो, ठीक है, बस इतना ही इतनी जगह में। तो मैं इनको फटाक से खोलता हूँ, फिर आप ऊपर का दिखाता हूँ आपको। हाँ तो गाइस ये मैंने पूरे जितने भी फेयरिंग में नट बोल्ट थे सब निकाल लिए, ठीक है, इधर की भी निकाल ली, इधर की भी। अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़ इसको निकालने से पहले, जो इधर अपने इसमें वायरिंग होती है, जो ये देख रहे हो ना सब वायरिंग होती है, इधर साइड भी इस साइड भी है। तो इसमें क्लिप मतलब क्लिप होती है फेयरिंग में जिसमें वो वायरिंग को अटैच करके रखती है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। तो देख लो कैसे निकलती है, ठीक है, तो देख रहे हो आपको वो एक क्लिप दिख रही होगी, देखो ये रही, ठीक है। इसमें ना ये वायरिंग ऐसी लगी रहती है, मतलब लगी नहीं रहती है, उसमें इसको लॉक करके रखते हैं। तो ये इसको ऐसा खींच लीजिएगा तो ये वायरिंग निकल जाएगी, सेम उस साइड भी रहेगा, ठीक है। और ये रहता है फेयरिंग वाली बाइक में, अगर आपके पास फेयरिंग वाली कोई भी गाड़ी हो सब में रहता है, चाहे वो 220 हो, पल्सर RS हो, CBR हो, KTM RC हो या जो भी हो फेयरिंग वाली, ठीक है, सब में होता है। तो ये आपके बहुत काम में आएगा, क्योंकि फिर क्या होता है जब ये अगर मतलब इसमें वायरिंग मतलब लॉक रहती है ना, तो अपन ये जब फेयरिंग को निकालते हैं देखो, तो ये सब है ना फेयरिंग को निकलने नहीं देती, दिक्कत करती है, फिर आप परेशान हो जाओगे बहुत देर तक वो निकलेगी। तो ऐसे मैं उस साइड की भी करता हूँ, फिर उसके बाद में कैमरे को अटैच करके दिखाता हूँ फेयरिंग कैसे निकलती है, ठीक है। हाँ तो गाइस मेन फेयरिंग उतारने के बाद अब इसमें रह गया है सबसे पहले अपने को टैंक का, जो देख रहे हो ना आप, सबसे पहले आपको दिख रहा है टैंक के पाइप निकालना है, ठीक है, सबसे मेन चीज़ है टैंक के पाइप निकालना। और इसका ये जो फ्यूल गेज होता है ना, इसका भी वायर ये लगाए, ये निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये नहीं निकालोगे तो आप टैंक खींचोगे तो टूट सकते हैं। और उसके बाद में देख रहा हूँ
ये 12 नंबर का बोल्ट है, ठीक है, ये खुलेगा, यहाँ पे एक बोल्ट है ये खुलेगा, और सेम ऐसे उस साइड में। इनको खोलने के बाद फिल्टर बॉक्स आपके सामने रहेगा, मतलब ओपन कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इनको करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से एक टैंक से पाइप निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई, इसका पाइप निकालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो पेट्रोल को बंद कर दो। ये हो गया पेट्रोल बंद, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से आराम से निकाल लीजिए, ठीक है, धीरे धीरे करके वैसे निकल जाता है। अगर ये पाइप अगर आपको ओरिजिनल हुआ ना, तो बड़े आराम से निकल जाता है, ठीक है, ये निकल गया। इसमें पेट्रोल है इसलिए इसको ऐसा सीधा रखो, नहीं तो साधो भाई। ये मैंने टूल्स ले लिया, तो इसके लिए ध्यान रखिए, इस ये सब डाइट है ना, आप ओपन करने के लिए अच्छे टूल्स ले, हमें कोई ढीला डाला पाना ना ले, जिससे कि नट स्लिप हो जाए। वैसे नट स्लिप होता नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है, बट वो खुलेगा नहीं, मतलब ओपन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये नट बहुत हेवी रहते हैं, मतलब है तो 12 नंबर के, मैंने इनको पहले लूज़ कर लिया इसके बाद। तो ये सब खोलना है, तो गाइस ये तीनों नट बोल्ट ओपन कर लिए, नट 12 नंबर वाले देख लो। यहाँ का पेट्रोल है, ऐसा कोई पेट्रोल लिखेगी नहीं है, तो ये अपना एयर फिल्टर है। और अपन आपने शायद इसके पहले वाली वीडियो देखी नहीं होगी, तो देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि इसमें से मतलब स्टॉक एयर फिल्टर को ही कैसे मॉडिफाइड किया जाए, तो यहाँ पे मैंने होल किया था, जिससे साउंड भी अच्छा आता है, और इससे कोई गाड़ी के कार्बोरेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं और ना इंजन को प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक दो बोल्ट और एक बोल्ट यहाँ पे, देख रहे हो ये सब 10-10 नंबर वाले, इसके लिए 10 नंबर का स्पैनर लगेगा, वो भी लेकिन स्ट्रेट वाला लगेगा, ठीक है। और ये रहा पेट्रोल फिल्टर, ठीक है, ये मैं चेंज कर चुका हूँ बहुत पहले, लेकिन इस पर धूल जम गई, इसको साफ करेंगे। अब आप देख लो ये पाइप भी पेट्रोल का ही है, ठीक है, तो ये लेकिन क्या करता है, ऊपर का ऊपर टैंक में ऊपर लगा रहता है पेट्रोल उठाने के लिए, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो पेट्रोल ऊपर भी आता है, और ये दो काम करता है, इससे एयर भी निकल जाती है जो टैंक में एयर बनती है, इसलिए गाड़ियों में एयरों की दिक्कत नहीं आती बहुत बार। और ये मेन पाइप है, ठीक है, ये जाता है कार्बोरेटर में, मतलब ये पेट्रोल फिल्टर है, ये गाड़ियों में आता है, ठीक है, क्योंकि इनमें इसलिए देते हैं क्योंकि इनके अब बार बार इनको ओपन नहीं कर सकते हो ये गाड़ियों का टैंक, क्योंकि बहुत दिक्कत जाती है, ठीक है। और ये फ़ैन है, तो ये सब वीडियो तो बाद में बनाएंगे, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, फ़ैन की वीडियो बना रखी है मैंने, कि अगर फ़ैन वर्क नहीं करता है तो कैसा, सब आप चेक कर लीजिएगा चैनल पर, सब डली हुई है। तो मैं फटाफट से नट ओपन करता हूँ, ठीक है, फिर एयर फिल्टर निकालता हूँ। हाँ तो गाइस, अपन ने नट खोल लिए इसके, ठीक है, एयर फिल्टर बॉक्स के। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, एक मिनट, हाँ तो गाइस यहाँ पे भी दो लॉक टाइप के रहते दिख रहे, इनको है ना थोड़ा ऐसा करना और उसका ऐसा उठा देना, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बॉक्स है, फिल्टर बॉक्स, अंदर कार्बोरेटर, और ये अपना एयर फिल्टर है। उतना ख़राब तो नहीं हुआ है, बट फिर भी हो चुका है, तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा, ये ब्लैक हुआ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक होने से ख़राब नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं ख़राब हो जाता है, तो मैं आपको भी बताता हूँ क्या होता है कैसे। अब एयर फिल्टर देख रहा हूँ, ये पुराना वाला है और अपना ये न्यू है, तो इसमें आपको कुछ फ़र्क दिख रहा होगा। तो गाइस एयर फिल्टर का मतलब ये नहीं है कि मतलब जब पूरा ब्लैक हो तभी चेंज करें, आपको गाड़ी चलाने के टाइम समझ में आना चाहिए कि गाड़ी को एयर अंदर अच्छे से मिल नहीं रही, जिससे वो दिक्कत कर रही है। तो ये अब देखो इसको, और इसको देखो कितना फ़र्क है ना दोनों में,
तो ये जो अंदर आप देख रहे हो ना ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक 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 ब्लैक, तो ये अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भरा जाते हैं, जिससे गाड़ी में मतलब कार्बोरेटर में अच्छे से अंदर एयर नहीं आती है, और फिर वो इंजन में भी नहीं आती अंदर अच्छे से। और ये लास्ट से इसलिए ब्रेक ज़्यादा हुआ है क्योंकि लास्ट ये देखो ये थोड़ा गीला सा भी हो गया है, तो ये गीला इसलिए हुआ है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये होल से कभी कभार थोड़ा बहुत पानी चले ही आता है फिल्टरों के अंदर, और ये जो अपन ने किया है ऐसा देख रहा हूँ, तो इससे भी थोड़ा बहुत पानी चला जाता है, बट उतना नहीं आता। अगर आप वो जो अलग से एयर फिल्टर आते हो ना लगाओगे अगर गाड़ी में साउंड के लिए और पिकअप के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा चला इस... तो भाई इसमें एयर फिल्टर लगाते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हो ये मैंने फिल्टर लगा दिया नया वाला, ठीक है, और ये सब लॉक वॉक कर दिया, लॉक मतलब मैग वेट लगा के उनको कर दिया। और ये गाइस तो मैं उनको फटाफट से पैक कर लेता हूँ, मैं पूरी फेयरिंग पैक कर लेता हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस गाड़ी हो गई है कंप्लीट, पूरे जो जितने भी नट बोल्ट थे पूरे टाइट कर दिए, मतलब वापस से लगा दिए, ये पूरी फेयरिंग लगा दी। आपने वीडियो में तो देख लिया था कैसे निकलती है, जैसे निकली वैसे लगाना भी है, ये पूरा एयर फिल्टर एयर फिल्टर और ये सब, ठीक है। मैं इसको ऑन करता हूँ एक बार, की वीडियो कैसे चेंज होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो आपकी गाड़ी में बाइक में या स्कूटी में, कोई भी गाड़ी मतलब कोई भी दिक्कत हो मुझे वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी दिक्कत, ठीक है, कोई भी। तो आपको शायद वीडियो अच्छी लगी है लगी हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।